स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहने वाली एक चीज़ है वो है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और हाई रिस्की हाई वॉलेटिलिटी के साथ उतना ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको देते हैं। यानी कि पेनी स्टॉक में 100 रुपये का 10,000 भी बन सकता है और 100 रुपये का 10 रुपये भी बन सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऐसे पेनी स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो ये आपको 5 गुना नहीं 50 गुना के भी रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि जो ये पेनी स्टॉक होते हैं ये इतने ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जब ये भागने स्टार्ट करते हैं तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती, स्काई जो इनका कुछ भी नहीं होता, कहीं तक भी ये जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं ऐड करूँगा, अगर आप लोग इन 8 स्टॉक में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ उतना ही पैसा लगाना जितना आप रिस्क ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है तो आप भी 10,000 करो। आपको लगता है कि मेरे को 200 रुपये का रिस्क लेना है तो सिर्फ 200 रुपये का ही यहाँ पे आप रिस्क लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। पहली कंपनी जो मैंने यहाँ पर पिक करी है वो है SAL स्टील लिमिटेड। लगभग 16 से 17 रुपए की प्राइस रेंज का ये स्टॉक देखने को मिलता है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं इस स्टॉक में, फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है एंड ये जिस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है वो है स्पॉन्ज आयरन फेरो एलॉय एंड स्टील इंडस्ट्री, इसलिए इसके नाम में भी स्टील लिमिटेड आता है। तो ये स्टॉक की डिमांड फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है एंड ये जिस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है इसमें कभी भी हमको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जिसके चलते वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है। बट पेनी स्टॉक दूसरा जिस सेगमेंट की कंपनी डिमांड है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो अगर आप 5 साल के विजन के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना प्रीफर करें तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। सेकंड कंपनी की मैं अगर बात करूं तो वो रहेगा विशाल फैब्रिक्स। लगभग 19 से 20 रुपए की प्राइस रेंज का ये स्टॉक है, नाम से ही समझ में आ जाता है कंपनी फैब्रिक से जुड़ी हुई है एंड यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर या सेलिंग करती हुई नज़र आती है अलग अलग टेक्सटाइल के प्रोडक्ट, जैसे यार्न हो गया, डेनिम हो गया या फिर जो टेक्सटाइल के और भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग भी ज़बरदस्त है 69% की एंड कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, और कर्जा भी कंपनी पे बहुत कम नज़र आता है। फंडामेंटल्स बहुत ही डिसेंट है, हर तरीके से ये कंपनी सक्षम है, लंबी अवधि में आपको ज़बरदस्त पैसा बनाकर देने का दमखम इसके अंदर है। अगर आप रिस्क लेना प्रीफर करते हैं 100, 200, 300 रुपए जितना भी आपका मन करे इस कंपनी में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, पेनी स्टॉक है, हाई रिस्क की हाई वॉलेटाइल रहेगा, तो अगर सस्ते में मिले तो खरीदिएगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं 19 से 20 रुपए की प्राइस रेंज में बता रहा हूँ अभी ख़रीदना है, हो सकता है आगे चल के मार्केट करेक्ट करे ये आपको 16 रुपये में मिल जाए तो वहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। थर्ड स्टॉक की मैं अगर बात करूँ तो वो रहने वाला है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। ये कंपनी भी फंडामेंटली ज़बरदस्त नज़र आती है एंड नाम में ही पता चल जाता है फेरस यानी कि फेरो एलॉयज वाली कंपनी ये भी देखने को मिलती है और बिजनेस इनका ज़बरदस्त है, प्रमोटर्स कंपनी के बड़े शानदार हैं, फंडामेंटल्स इस कंपनी के भी ज़बरदस्त नज़र आते हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो। कर्जा इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो डेप्ट फ्री कंपनी इसको कंसिडर कर सकते हो। कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ रुपये का कर्जा है जबकि कंपनी के पास 140 करोड़ रुपये के रिजर्व हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा नज़र आती है एंड ये कंपनी भी इतना दमखम रखती है कि अगर आपने 5 साल के लिए होल्ड कर लिया तो ज़बरदस्त पैसा ये बनाकर दे सकती है। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स में अगर मैं बात करूं तो 2 बहुत बड़े नाम देखने को मिलते हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत पॉपुलर ब्रांड है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, जो यहाँ प्लाईबोर्ड का काम करती है कंपनी सेंचुरी, सेकंड स्टार सीमेंट, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। तो 2 बड़े ब्रांड हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लंबी अवधि में एक कह सकते हो कि लंबी रेस का घोड़ा ये साबित होने वाली है। चौथी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा सुराना सोलर, नाम से पता चल जाता है थोड़ा सा सोलर से जुड़ी हुई कंपनी है, हालांकि कंपनी यहाँ पे सोलर के जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स होते हैं उस पर काम करती हुई नज़र आती है, जो वाइंड एंड सोलर पावर एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। तो सोलर का अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सोलर के, ये सोलर के कुछ मॉड्यूल्स बनाते हुए देखने को मिलती है। फंडामेंटल्स की मैं बात करूँ तो पहले बहुत ज़्यादा वीक थे, अभी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, स्टॉक लगभग 25 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है और इस स्टॉक में अगर आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 65% के आसपास है। बट फंडामेंटली ये कंपनी भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगती है,
कंप्लीटली डेब्ट फ्री कंपनी है, जीरो रुपीस का कर्जा, एक रुपए का भी कर्जा कंपनी के ऊपर नजर नहीं आता। और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, बुक वैल्यू से सिर्फ दो गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि में ये भी जबरदस्त पैसा बना के दे सकता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, सोलर एनर्जी या फिर विंड पावर एनर्जी को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते कुछ PLI स्कीम का भी फायदा इन कंपनीज़ को मिलता है, जिससे इन कंपनीज़ को एक अच्छा बूस्ट मिलता है। तो लंबी अवधि में सुराना सोलर लिमी एक बहुत अच्छा और पॉपुलर नाम हो सकता है, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। पांचवी कंपनी की मैं अगर बात करूं तो वो रहेगी पशुपति एक्रिलियन लिमिटेड। लगभग 36 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। फंडामेंटल्स मुझे इस कंपनी के भी सुपर सॉलिड नज़र आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है। कर्जे की मैं बात करूं, 13 लाख रुपए का कर्जा केवल कंपनी के ऊपर है, उसके कंपैरिजन में रिजर्व 227 करोड़ रुपए के, तो कंप्लीटली डेब्ट फ्री कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉक बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू भी इसकी 35.5 रुपए की है और स्टॉक भी 36 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से अभी निकला नहीं है ज़्यादा। कंपनी यहाँ पर एक्रेलिक फाइबर टो एंड टॉप के जो कास्ट होते हैं या फिर पॉलीप्रोलाइन की जो फिल्म्स होती हैं उस पर काम करती हुई नज़र आती है, एक डिफरेंट सेगमेंट वाली कंपनी है। एंड होजरी के सेगमेंट में भी कंपनी देखने को मिलती है, जहाँ पे शॉल, ब्लैंकेट, लेडीज़ और जेंट्स के जो ड्रेस मटेरियल होते हैं विंटर के, उन प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए विजन है ना, ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के देगा। ये वैसा ही भागेगा जैसे ट्राइडेंट भागा था। ट्राइडेंट में सभी को पता है 4-5 रुपए से लेकर 70 रुपए की रैली आई थी, फिर उसके बाद करेक्ट भी अच्छा खासा किया, बट एक समय पे स्टॉक ने लगभग 14-15 गुना के रिटर्न दिए थे। सेम इसमें भी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो सिक्स्थ कंपनी रहेगी वो है अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस। एंड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट। फार्मा का ऑलरेडी अभी आप देखो मार्केट में अच्छा डिमांड बना हुआ है, फार्मा के सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाली कंपनीज़ में भी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। करंटली ये स्टॉक भी 36 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब अच्छे नज़र आते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 30% से ज़्यादा देखने को मिलती है। डेब्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा कर्जा कंपनी के ऊपर नज़र आता है, यानी कंपनी के पास रिजर्व है लगभग 55 करोड़ में, उसके कंपैरिजन में 55 करोड़ का लगभग 30-32% जो है कंपनी के ऊपर कर्जा, यानी कि 15-16 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। बट स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, कंपनी ज़बरदस्त है एंड प्रमोटर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक बनाया हुआ है। इवन हरियाणा कंटेनर्स लिमिटेड, एक बहुत मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, उसकी तरफ से भी अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल बिलीव करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ही आपको देखने को मिलेगा, जो अच्छा खासा पैसा ग्रो करके आप लोगों को दे सकता है। एंड पिछले अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा नहीं 2-3 महीने पहले ये स्टॉक 21-20 रुपये की रेंज में था और अभी वहाँ से अगर आप देखोगे 36 रुपये तक आ चुका है, तो अच्छा खासा ऑलरेडी इसने रिटर्न डिलीवर किया और आने वाले समय में भी ज़रूर करेगा। अगर मैं बात करूँ सेवंथ कंपनी की तो वो रहने वाला है ट्राइडेंट लिमिटेड। इसके बारे में मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मोस्टली लोग जानते हैं ये कंपनी यार्न का, टेरिटॉल्स, बेडशीट, पेपर, केमिकल और भी अलग अलग सेक्टर पे काम करती हुई देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इस सेगमेंट का देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी एक बार अच्छी मोमेंटम, अच्छी रैली के साथ भागा, उसके बाद अच्छा खासा करेक्ट कर गया। अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पे विजन है तो ट्राइडेंट में आप अभी के समय पे पैसा लगा सकते हैं, या अगर डिप में मिलता है तो डिप में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये भी ज़बरदस्त है और प्रमोटर की होल्डिंग भी 73% से ज़्यादा है। अगर ROC, ROE या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, सारी चीज़ों पे ये खरा उतरता हुआ नज़र आता है और अच्छा खासा इसका फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, ट्राइडेंट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है और ऑलरेडी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में पहले से भी हो। अगर है तो होल्ड करके रखिए, अगर नीचे में और सस्ता मिलता है तो और ऐड भी कर सकते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं तो वो रहने वाला है सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड। ये कंपनी लगभग 52 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है और कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नज़र आती है, स्पेशलाइज्ड हाई
टेंसिटी की यार्न जो होती है, जो यूज़ की जाती है इनर वेयर या फिर नैरो फैब्रिक्स के लिए, होजरी या फिर स्पोर्ट वियर जो बनते हैं उनके लिए। तो डिफरेंट सेगमेंट वाली कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही सुपर सॉलिड है, बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू लगभग 47.5 रुपये है, स्टॉक 51-52 रुपये की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, प्रमोटर की होल्डिंग 56% से ज़्यादा की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सभी सुपर सॉलिड नज़र आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में आप बिलीव करते हो तो इस स्टॉक को भी ज़रूर आप अपने रडार पर रखना, क्योंकि इस स्टॉक की ज़बरदस्त हिस्ट्री है। अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम लो की, तो इस स्टॉक का 2.25 रुपये का ऑल टाइम लो है, 52 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, एक समय पे 91 रुपये तक भी गया था, वहाँ से अच्छी खासी करेक्शन हुई, क्योंकि अगर आप कोविड का टाइम देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हिल गई थी उस समय पे, जिस वजह से अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हुआ था, बट अभी वापस से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में भी बन रहा है। ऑलरेडी इस स्टॉक को अगर हम देखें तो 50 DMA 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर हल्का फुल्का मार्केट में करेक्शन आता है तो ज़रूर इस स्टॉक में भी आप खरीदारी कर सकते हो। तो ये है टोटल 8 स्टॉक जो पैनी स्टॉक हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, इन सभी स्टॉक में 5 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट किया तो पता नहीं कितने रिटर्न बनेंगे, 10 गुना 20 गुना 5 गुना 25 गुना 30 गुना 50 गुना, क्योंकि पैनी स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जब भागते हैं तो 10-10, 20-20 गुना भी भाग जाते हैं, और नहीं भागते हैं एक दो साल एक ही रेंज में घूमते रहते हैं या फिर थोड़ा करेक्शन दिखाते रहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन स्टॉक्स में तो सोच समझ के कीजिएगा, पैनी स्टॉक्स हाई रिस्की हाई वॉलेटिलिटी वाले होते हैं, उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना आप रिस्क लेना प्रीफर करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।